हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये लकड़ी का पुल देख रहे होंगे आप। ये लकड़ी का पुल मुझे गोवा के उस सुंदर बीच पे पहुंचाएगा जहां पे सारे लड़के या लड़कियां आना चाहती हैं, क्योंकि यह गोवा के एक ऐसा बीच है जहां पर पूरे साल, यहां तक कि मानसून के सीजन में भी रशियन लोग बने रहते हैं। यहां पे बहुत सारी इंट्रेंसेज है इस बीच में जाने के लिए, बट अगर आप गूगल मैप के द्वारा आओगे तो गूगल मैप आपको इस इंट्रेंस में पहुंचाएगा और कभी कभी एक और इंट्रेंस है वहां पे आपको पहुंचाएगा। तो चलिए आज मैं आपको ये सुंदर बीच दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इंट्रेंस देख लीजिए कितना अच्छा व्यू है। और ये लकड़ी का फ्लोटिंग पुल आपको केवल इसी बीच पर आने के लिए मिलेगा और ये चारों तरफ का व्यू है। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ कि ये कहाँ पर है, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर 12 महीने रशियन लोग क्यों रहते हैं और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए और यहाँ पर ट्रैवलिंग का साधन और सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर रहने के लिए क्या सुविधा हो सकती है, उन सारी चीज़ों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको इस बीच की सैर कराते हैं। जैसा कि मेरे थंबनेल में लिखा था कि ये मांडरम बीच है और आपने सामने भी देखा कि मांडरम बीच का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा रखा है एक रेस्टोरेंट ने, आई लव मांडरम, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो सामने लिखा हुआ है आई लव मांडरम। और इस साइड अगर आप जाओगे तो एक और बीच पहुँच जाओगे जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आज मैं अपोजिट साइड जाना चाह रहा हूँ जहाँ कि मैं आपको रशियन दिखाऊँगा। क्योंकि अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप तो ज़रूर देखना चाहते होंगे, या कुछ लड़कियां होंगी जो विदेशी लोगों से मिलना चाहती होंगी या उनसे बात करना चाहती होंगी, या आप लोग कोई भी हो या कपल हो, सिंगल बॉयज हो या लड़कियां हो, आप ज़रूर विदेशी लोगों से अवगत होना चाहते हैं और एक बार देखना चाहते ज़रूर होंगे। तो मैं बात करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि एक मेरा यहाँ पर फ्रेंड है, क्योंकि मैं गोवा में रहता हूँ, एक रशियन फ्रेंड है जो कि गोवा आया हुआ है और मैंने उसको ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज उससे मैं मिल के थोड़ा हाई वाई करके मैं आपको दिखाऊंगा, बात करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे ज़रूर बने रहना। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग बीच बेड्स का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बैठने का कोई चार्ज नहीं, बट आपको इनके बेड्स पे बैठोगे तो आपको कुछ खाना या पीना पड़ेगा। ये हर बीच की कंडीशन होती है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। लेकिन इस बीच पर जो है आपको भारतीय लोग कम मिलेंगे, किसी भी सीजन में आओ आप। अगर आप मानसून सीजन में नहीं आते हैं, उसके अलावा किसी भी सीजन में आते हैं, तो यहाँ पर विदेशी लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा और क्या ये सच में है। तो आप ये झूठ मत, बिल्कुल मत समझो जैसा कुछ लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और अपने फ्रेंड के साथ बात करके भी दिखाऊंगा। और यहां पे पीपल रेस्टोरेंट आप जरूर याद रखना, वो आपको दिख रहा होगा सामने। आपको आना है मांडरम बीच पर और मांडरम बीच में पीपल रेस्टोरेंट, फ्रीडम कैफे और एक और आगे है जो रेस्टोरेंट, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ये बीच है कहां पर और आप यहां पर कैसे आ सकते हैं। ये बीच है पंजिम सिटी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस बीच में अगर आप आगे जाओगे लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक तो आपको अरम्बुल बीच मिल जाएगा। मतलब यह बीच जो है अरम्बुल बीच से थोड़ा पहले स्थित है, तो आपको गूगल मैप के द्वारा यहां पर आसानी से आ सकते हैं।
अगर भी बात की जाए यहाँ पर खाने पीने की, तो यहाँ पर इंडियन, चाइनीज, रशियन, इटालियन सारी तरह की फूड यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। प्योर वेजिटेरियन हो तो भी अच्छा है, यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन भी आपको मिल जाएगा। अगर रहने की बात की जाए एकोमोडेशन की, तो इनके साथ बीच साइड जो रेस्टोरेंट है उनके पीछे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, हट्स हैं, वहाँ पर रहना चाहते हो तो आप रह सकते हैं। अदरवाइज आप रंबुल बीच, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आप बुक कर सकते हैं booking.com और ओयो से। तो चलिए अब आगे मैं आपको चल के रशियन लोगों को दिखाता हूँ और रशियन लोगों से मिलवाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं, अगर आप भी मिलना चाहते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सभी सिंगल लड़के, लड़कियों और कपल्स के लिए लाता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी तरफ एक रशियन सामने, मेरे एक रशियन लड़की खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल सामने है। उसका मूवमेंट देखना आप कैसे टर्न होगी, बिल्कुल कलरफुल फेस, बिल्कुल फनी फेस बना रखी है। इनका कुछ प्रोग्राम था रशियन लोगों का, तो इसकी वजह से ये लोग कलर लगाए हुए थे। अभी चलिए मैं लेफ्ट साइड चलता हूं, जो कि मेरा एक फ्रेंड है एलेक्सी, जो कि रशिया से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है और ये जॉब भी करता है गोवा में। तो गोवा में जॉब क्यों करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए। आई थिंक आई नो यू। रे बाबा, हाउ आर यू? कक देला खदस, एंजॉय। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मिल लिया इनसे, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है और ये गोवा में जॉब भी करता है, और एक ये रशियन मोहतरमा जो मेरे आगे चल रही हैं। तो ये लोग जॉब भी करते हैं गोवा में, और ये जो नाइट मार्केट होती हैं उनमें स्टॉल लगाते हैं अपना, और कुछ अपनी आर्ट को या फिर कुछ रशिया से लाई हुई चीज़ों को यहाँ पर बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉय करते हैं जैसा कि चाहिए। तो अगर आपको देखना है इसका एलेक्सी का इंटरव्यू का वीडियो, तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके साथ एक वीडियो और इंटरव्यू के साथ बना रखा है, लेकिन आज इस सुंदर बीच को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फूड मिल जाएगा, रहने के लिए एकोमोडेशन मिल जाएगा, और अरंबुल बीच यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अरंबुल बीच पे आजकल रशियन थोड़ा कम जा रहे हैं, मांडरेम पे ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि मांडरेम पे कम भीड़ होती है, क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादा घूरते हैं इन लोगों को, इसलिए ये लोग इधर रहना पसंद करते हैं। तो ये जो फ्रीडम कैफ़े हो गया, ये पीपल कैफ़े हो गया, ये फ्रीडम कैफ़े है, उसके पहले मैंने पीपल दिखाया था। तो यहां पर रशियन लोगों की भीड़ लगी रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक तरफ से भरे हुए हैं। तो आज का यह वीडियो इसलिए था कि आपको पता चल सके कि गोवा में रशियन 12 महीने कहां पर मिलेंगे। तो यह मांडरेम बीच है जहां पर आपको 12 महीने रशियन लोग मिल जाएंगे। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।